अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और क्या कहते हैं मम्मा अभी साले कभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता गोश्त काट रही है, और क्या कहते हैं अभी मैं फ्रेश मुंह हाथ भी नहीं धोया, और ये देखो हाँ ये गोश्त मैं काट रही हूँ। मैंने कहा चलो कुछ समझ नहीं आ रही क्या पकाएं आज, क्या नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था ये पका लूँ, इसकी कर दूँ सफाई, सारे झीझड़े वगैरह हुए हैं। ये देखें जी ये भाई धूप निकली हुई है सही में, देखें वैसे अभी आपको लग रहा होगा। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। छाँव है, ठंडा मौसम है, लेकिन भाई धूप हो रही है, देखो मोटर चलाई हुई है कब तक, पानी तो लग रहा नहीं आ रहा। नहीं आ गया, ये फुल प्रेशर से पानी आ रहा है। तो भाई आज है 12वां मुहर्रम, और आज से भाई ट्यूशन भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन वालों ने भाई छुट्टी दी हुई थी हमें 3 दिन की। हम जुम्मे को गए थे हफ्ता इतवार और पीर, तो भाई छुट्टी दी हुई थी 3 दिनों की। हसन मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी ये चल जाएंगे। हसन इधर आना, इधर आओ, आओगे इधर आओ। अभी जो करूँगा कूड़ा दिया वो और सारा हमने कूड़े वाला हसन अभी इधर भी कूड़ा दिया, और ये मोटर का शोर हो रहा पता नहीं। हमारे तोते इनका भी देखते खाना खाने नहीं अभी, इनकी हड्डी दे रहे। आ गया बच्चा, आ गया बच्चा, आ गया यार। भैया आ जाए गेट बंद करना भाई, आजकल के रात नहीं खुल रहे। वाह क्या सीन है, क्या लड़की करूँगा जी व्लॉग एडिट। और कल का व्लॉग तो आप तक पहुँच गया होगा, क्योंकि मैं 2 व्लॉग एडिट करने थे, एक व्लॉग मैंने डाल दिया और एक आएगा अभी, और ये वाला 2 व्लॉग और आते हैं अभी मेरे। हसन हसन ये ना हसन हसन ना अपनी आईज को कैसे करते तो हसन मजा आया, और मैं ये जो मजा है जब बचपन में नहीं बच्चे करते थे, हमें तो आदत नहीं थी करने की, ये बिल्कुल ऐसा करते थे। एक दिन ड्राई किया था सारे घर वालों को, उसकी आइस को क्या हो गया, करो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं करेगा भाई, नहीं इसको आदत डल जाएगी। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी खाना बना लें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट होगा। छोड़ दूँ हम दोपहर का तकरीबन 1:30 का टाइम हो गया है। हाँ जी हसन क्या कह रहे हो? अच्छा जी बस देते हैं मोबाइल, हसन को मोबाइल चाहिए, ये हमें ये वीडियो बनाने देता नहीं है, हर टाइम से बस मोबाइल चाहिए। मैं कहा चलें यहाँ गोश्त प्याज काट लूँ, यहाँ मैंने गोश्त चढ़ा दिया, तो आज अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पकाएं क्या नहीं। फिलहाल मैं कहा चलें गोश्त तो चढ़ाए ना, बाद में देखी जाएगी क्या पकाना है और क्या नहीं। अभी मैं प्याज काट रही हूँ, लहसुन काट लहसुन अदरक पीसूँगी, चले फिर मिलते हैं आपसे बाद में। कौन आया है? ये जी आयस आ गई हैं पढ़के अकेडमी से, ये जी जी ये आयस आ गई हैं पढ़के। शाम के 6 बज गए हैं जी, बच्चे शुरू हुए क्रिकेट खेलना, बाहर बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, अब्दुल्ला भी बाहर बच्चे हैं। कट के मम्मा बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। तो जी शाम के 6 बज गए, अब मैं लग जाने लगी हूँ किचन में, खाना बनाना है, क्योंकि मगरिब से पहले पहले मुझे खाना तैयार करना होता है। तो सालन तो मैंने चढ़ा दिया था, सिर्फ सर्वियाँ डालनी बाकी रह गई हैं,
अरवियाँ से पापा लेकर आते हैं तो फिर अरवियाँ डालते हैं गोश्त के अंदर, क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि अरबी गोश्त बना लूँ, आलू से बेहतर लगते हैं मुझे अरबी, और सब्जी ऐसे पापा को बहुत पसंद है। तो अब मैंने शाह बनाई थी चाय, चाय पी के फारिग हूँ मैं। तो हसन देख रहा है ये ऊपर ग्रहणी, ये बहुत ग्रहणी देखता है टाइम। ये साहब हसन साहब बैठे हैं, अब मैंने बनानी रोटियाँ, क्योंकि रोटी भी बना लूँगी साथ 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 मैं सालन भी तैयार कर लूँगी। तो जी आपको मिलवाते हैं हसन से। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? वो विवश कह रहे हैं, डांस करके दिखा दो। डांस कैसे करते हो? ये वाला नहीं, दूसरा वाला डांस करो, दूसरा वाला, दूसरा डांस करो, दूसरा डांस करो, दूसरा वाला, ऐसे वाला डांस करो, ऐसे वाला, ऐसे वाला। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। अब हसन ज़्यादा तरा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं, अब्दुल्ला भी चला गया बाहर क्रिकेट खेलने के लिए। चलते हैं जी, इस साइड में मेरी रोशनी कम है, किचन वाली साइड पे ना रोशनी थोड़ी सी कम है। निकालते हैं जी फ्रिज में से आटा। हाँ जी आटा निकाले तो रोटी बनानी है ना, रोटी खानी है, रोटी खानी है आपने। तो यहाँ रख दिया आटा और ये हंडिया बनाए करके रख दी है मैंने, बस मैं अरबियाँ डालनी है। फिश कर देते हैं बंद। अब ये अब्दुल्ला की बारी आ गई, बाहर आपको दिखाते हैं। बच्चे शाम के टाइम रोज क्रिकेट खेलते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, खेलते भी हैं, पर यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब मिल बांटते हैं आराम से, प्यार से, सकून से। ट्यूशन से आ गए हैं, अभी खेलने लगे हैं बच्चे हैं। और ये सामने जो बच्चा खड़ा है ना ग्रीन शेड वाला, ये भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है, व्लॉग बना रहा है, ये बच्चा भी व्लॉग बनाता है। हाँ अब्दुल्ला क्रिकेट खेल ली। अब हम यहाँ के बैठ चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ, टिकट से बाबा का इंतजार करके थक गई, वो अभी तक आए नहीं अरबियाँ लेके, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका कि वो आ जाएँ तो मैं खाना बनाऊँ। तो और मैंने जाना है अभी ऊपर माली मकानी के पास अपनी, उनका बेटा माशाल्लाह 6 नंबरों से पास हुआ है, बहुत खुशी की बात है। सारा सामान लेकर आ गए, दूध लेकर आया। तो जनाब ये आ गए हैं हमारा सौदा, ये अरबी मंगाइए, ये दूध आ गया, ये मिल्क शेक बनाने के लिए डब्बा डालेंगे दूध में, मिल्क शेक के अंदर डब्बा डालेंगे, मिल्क शेक लिया है हसन, ये हसन मिल्क शेक बनाने ना इसका डब्बे का, ठीक है ना, मिल्क शेक बनाना है। बच्चे शाम के टाइम रोज़ मिल्क शेक पीते हैं बना के। तो जी मैं आपको बता दी कि मैंने ऊपर जाना है अभी, तो या तो मैं अभी के जाऊँगी या अभी सुबह जाऊँगी। बच्चा ऊपर माशाल्लाह पर आंटी रहती है हमारी, जो मेरी माली मकानी है, बहुत अच्छी आदत की है, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी काम में। अभी बीमार थी मैं तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, अपनों से बढ़ के मेरा ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरी छोटी बहन हो, उन्होंने यकीन करें 8-10 दिन तक मेरे घर का उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान करा, मुझे मेरे बच्चों को पका के खिलाया। मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकती जितना उन्होंने मेरा ख्याल किया, एक अपना ही अपने के लिए करता है। पर अफसोस अपना तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो गैर ही अपने होते हैं अगर समझे जाएँ तो। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यहाँ मेरी छोटी बहन है, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। अब उनका बेटा हुआ है माशाल्लाह, आज मैट्रिक इम्तहान में पास, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है बच्चा, तो बहुत दिली खुशी हुई है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। तो उस बच्चे का नाम है आदिल, तो बहुत अच्छे नंबरों से आदिल पास हुआ है। अगर आदिल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आदिल को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आदिल आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद बस में वेट कर रही हूँ कि कुछ गिफ्ट वगैरह बच्चे के लिए मंगवा लूँ मैं, तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ ताकि बच्चा चलो खुश हो।
दरवाजा खोलो पापा आ गए। ये हो रही है हमारी अरबियाँ फ्राई, जैसी हल्की थोड़ी थोड़ी सी है ना फ्राई हो जाएंगी ना, इनका लेस पता मुझे जल जाएगा, इनका लेस सारा इनका लेस जो है ना वो जल जाएगा। यहाँ और ये गोश्त की भुनाई, कैसे गोश्त मेरा भुनता है वैसे ही मैंने इसके अंदर अच्छी अरबियाँ डाल देनी है। तो जी अरबियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, अभी मैं डालने की गोश्त में इससे इसके ना लेस नहीं छोड़ेगा, ये सारी हांडी में ना ये तो लेस लेस हो जाती है, फ्राई करके डाल दो ना तो ये हांडी में लेस नहीं छोड़ती, लेस इसकी तलने से ना इसकी लेस जल जाती है। तो जी खाना वगैरह हमारा तैयार हो गया था, खाना हमने खा भी लिया है। तो जी देखिए अरबी गोश्त तैयार हो गया हमारा, आपको दिखा देती हूँ मैं कि देखिए लेस ज़रा सी भी लेस नहीं बनी, ये देखिए शोरबा बिल्कुल वैसे ही पतला, नहीं तो शोरबा ना इसका गाढ़ा हो जाता है, लेस बन जाती है अगर हम तल के नहीं डालेंगे ना, फ्राई करके नहीं डालेंगे तो उसका शोरबा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, वो खाया नहीं जाता। यहाँ दूध भी गर्म कर लिया है। तो जी खाना वगैरह हमने खा लिया, अब चलते हैं जी बच्चों को सोलाने की तैयारी करते हैं, हसन को सोने में बहुत टाइम लगता है। तो जी यहाँ पे बिस्तर वगैरह हमने कर लिया है, चरपाई डाल दी है मैंने कमरे के अंदर। ये इनको डांस के बड़ा करते हैं, ये मोटर चल रही है पानी की, देखते जी पानी आया कि नहीं आ रहा, पानी आ रहा है, पानी चेक करते आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ जी पानी तो बड़ा तेज़ आ रहा है, ये बड़ी नेमत है, पानी बहुत बड़ी नेमत है जी, बड़ा पानी हमारा रात 11-12 बजे तक आता रहता है मीठा पानी, अल्लाह का शुक्र है पानी की मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा पानी यहाँ पे तीनों टाइम तकरीबन पानी यहाँ पे आता है। कराची में तो मेरे माँ बाप रहते, मेरी माँ रहती है, मेरे भाई रहते हैं, मुझे पता है कि वो कितने परेशान होते हैं मीठा पानी के लिए, और हम इस कदर यहाँ ज़ाया करते हैं ना पानी, तो हमें कदर नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन मैं यही कहती हूँ बच्चों को भी ये समझाती हूँ पानी कम से कम इस्तेमाल करा करो, ये बहुत बड़ी नेमत है ये जो हमें अल्लाह ताला ने मैसर की है, क्योंकि ये इस कदर हम मीठा पानी जाया करते हैं हर टाइम बच्चे नहाने में, हर काम में मीठा पानी की। तो जी कोई आ गया था इसलिए मैंने वीडियो कट कर दी थी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तीनों टाइम मीठा पानी आता है, कराची में बहुत ज़्यादा तंगी है पानी की, मैंने देखा है कि किस कदर वो लोग मीठे पानी के लिए परेशान होते हैं। मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कम से कम मीठा पानी यूज़ करा करो, क्योंकि जिनके पास ये नहीं है उनको पता है कि कितनी मुश्किलों से मीठा पानी भर के लाते हैं, पीने के लिए लोगों को नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यहाँ हम नहाते भी इसी से, कपड़े भी इसी से धोते हैं, सब कुछ यानी कि हमें बड़ी आसानी है मीठे पानी के लिए। हाँ अभी आपने मिल्क शेक पिया है ना, खाना खाया ना, सुबह पीना। तो हसन मांग रहे हैं दूध, ये बार बार दूध मांगता है, खाना जितना मर्जी खा ले उसे बार बार दूध ही चाहिए होता है ना। तो जी चलें अब ये देखिए हसन लेटे हुए हैं चरपाई पे, बिस्तर वगैरह कर लिया है साले, तभी मेरे माफ़ करना हो गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हम कर रहे हैं जी सोने की तैयारी, यहाँ पे दूसरी चरपाई बिछी हुई है, यहाँ इधर बैठी इसलिए आपको दिखा नहीं सकती मैं, ये पानी का कूलर है जिसमें पानी भरेंगे और इसको कूलर को चलाएंगे हम, फिर आराम से यहाँ पे हसन सो जाता है और मैं सो जाती हूँ, दोनों चरपाइयाँ ये साथ मिला लेते हैं हम, आराम से हम इस पर ना कूलर चलता है, ठंडी हवा लगती है, आराम से हम सो जाते हैं। लेकिन फिलहाल दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, ला गए नमाज पढ़ के, सलाम नहीं करना आपको मैंने अभी ऑफ कैमरा शाह की नमाज़ पढ़ के आया अब्दुल्ला भी, तो ये 8:30 हो चुके हैं,
वीडियो बनाने कैमरा मांगने के लिए कह रहे कि मुझे मोबाइल दे दो, मैंने पबजी खेली और मैंने उसको मोबाइल देना नहीं है। पबजी से आज डिलीट कर देनी है हमने, डिलीट कर दूँ पबजी देनी। पबजी खेलता है कहते मुझे मोबाइल दो, मैंने मोबाइल चाहिए मुझे। तो जी चले, आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी मेहनत को अल्लाह ताला पार लगाए। इन शाला तला हम कोशिश कर रहे हैं बाकी आगे अल्लाह हमारी के मैंने अल्लाह को सब कुछ छोड़ा है। तो जी चलिए, अपने बच्चे का बहुत सा ख्याल चाहते हैं आपसे ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।